जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, लेकिन धरना स्थल ही रणभूमि में तब्दील हो गया और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जदयू के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। ये धरना सुबह के 10:30 बजे शुरू हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि धरना स्थल रणभूमि में तब्दील हो गई। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि ये हंगामा बैनर पे लगे फोटो को लेकर हुआ। युवा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बैनर एवं पोस्टर में पार्टी के बड़े नेताओं का फोटो होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का नहीं। यानी आज के इस हंगामा ने साफ कर दिया है कि जदयू पार्टी में भी बिखराव जारी है। बड़े नेताओं का फोटो नहीं था, पर्सनल व्यक्ति विशेष का था, इसीलिए हमने विरोध किया। ये पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के मेन विंग का ये धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें किसी व्यक्ति का फोटो लगा हुआ था जो कि निजी है। हमारा विवाद सिर्फ ये था, विरोध था कि उसमें हमारे महानगर अध्यक्ष पवन पांडे जी का फोटो रहता, तो हमारा कोई विरोध नहीं था। हमारे महानगर अध्यक्ष पवन पांडे जी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष का तरफ से रहता, तभी कोई आपत्ति नहीं था। यहाँ कोई व्यक्ति अपना फोटो टांगा था, उसका विरोध है। हम लोग का विरोध इस पर भी नहीं है। हमारा कहना है कि नीतीश जी का फोटो लगे, शरद यादव जी का फोटो लगे, हमारे बड़े नेताओं का फोटो लगे, उसके जगह पर जो छोटे कार्यकर्ताओं का फोटो लगा करके लोग जबरदस्ती यहाँ पर विवाद पैदा कर रहे थे, किसी बात को लेकर के नहीं है। यहाँ में जो कार्यक्रम आज का जो धरने का कार्यक्रम था, ये महानगर और ग्रामीण के जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें महानगर का बैनर हटा करके जनता दल युवा का बैनर लगा दिया गया, जिसके कारण हमारे जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित हो गए कि जो मेन विंग का जो कार्यक्रम है उसका बैनर क्यों हटाया गया। इसी कारण प्रतिरोध में उन्होंने युवा का जो बैनर है वो हटाने का काम किया। मैडम खुद पार्टी में है और पार्टी का बैनर नहीं, नहीं उसे जेडीयू का बैनर नहीं था वो, नहीं जेडीयू का बैनर की बात नहीं है। बैनर यहाँ में युवा और महानगर का मेन विंग की बात है। जब कार्यक्रम मेन महानगर और ग्रामीण के द्वारा जब कार्यक्रम हो रहा है, तो युवा के लोग इसमें खलल डालने का काम कर रहे थे, जिसे मना किया गया। और इस तरह का कोई बात नहीं है, बाद में सभी लोग एक बैनर के नीचे बैठे हैं, सब एक छत के नीचे बैठे हैं और विवाद भी खत्म हो गया। सब लोगों ने अपनी अपनी गलती को एहसास किया है और कार्यक्रम फिर पूर्ण रूप से चला है और कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं वैसे लोगों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो कभी नहीं पार्टी के हैं, लेकिन उनको पार्टी से बहुत लेना देना नहीं है। और हम लोग 15 साल से पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं,